अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, हम कुश्ती सेंटर के लिए निकल रहे हैं, हमें देर हो रही है। माँ, नया काम शुरू करना है ना, तो अब आपकी तरह हमें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना खाए पिए नहीं जाना, मेहनत करने के लिए पेट भरा होना चाहिए। लो दूध पियो। और ये प्रसाद भी। माँ, ये प्रसाद है ना, हम ये रास्ते में खा लेंगे दूध आज। नमस्ते रंजू जी। अरे निर्मला, बहू को विदा कराने सगुन का थाल लाए हैं। राम राम अम्मा जी। राम राम। ये तो अच्छी बात है निर्मला, लेकिन सावन पूजा चल रही है, पूजा के बीच में विदाई कैसे? अम्मा जी, ये तो आप मानती है ना कि सावन का एक एक दिन शुभ होता है, तब शुभ दिन में बहू को ले जाएंगे तो शुभ ही होगा ना। रही बात पूजा का, तो पूजा अगर श्रद्धा से किया जाए तो कहीं भी कीजिए सफल होता ही है, तो बाकी का पूजा बहू अपने ससुराल में कर लेगी। ए लीजिए थाल पकड़िए, विशेष कल आएगा विदा कराने। देखिए निर्मला जी। रंजू जी, हर परिवार में थोड़ा बहुत टुनफुन तो लगा ही रहता है, अब गृहस्थी जमाने के लिए थोड़ा बहुत झुकना भी पड़ता है, तो नौकरी ना करने का वादा करके बहू वही काम की है, अब वो घर में रहे सिर्फ बहू बनकर और गृहस्थी संभाले तो हमको कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। विशेष हमको बोला कि बहू हमरे कारण घर छोड़ के गई है, इसलिए हम अपना मन बड़ा करके उसको लेने आए। निर्मला जी, मन तो इस घर में भी सबका बहुत बड़ा है, इसीलिए छोटी मोटी बात को हम दिल से ना ही लगाते। जिंदगी में समझदारी और समझौता दोनों ही बहुत जरूरी है, इस बात को हम समझते हैं। सही कह रही आप, हमरे मन में भी कोई मलाल नहीं है, लेकिन एक शिकायत। ये बुलबुलिया हमसे कितनी छोटी है, लेकिन उस दिन इतना बड़ा बड़ा बात सुना के आई थी हमको, अब आप लोग को उसका उल्टा पुल्टा बात सुनने का आदत है, लेकिन हमारे घर में हमसे कोई कभी ऐसा बात नहीं किया और ना करेगा। इसलिए हम चाहते थे कि अपना कहा हुआ शब्द वापस ले ले, तो वो मैं देखिए रंजू जी, हम अपना पुराना सब बात भुला कर आए हैं, लेकिन सालू को भी चाहिए था ना कि अपना बहन का बात में आके ऐसे ससुराल ना छोड़े। देखिए निर्मला जी, जैसे सालू हमारी बिटिया है, शादी के बाद वो आपकी बिटिया है, आप उसे प्यार देंगी तो वो काहे आपको मान सम्मान नहीं देगी, बल्कि वो तो ऐसी लड़की कि हमसे भी बढ़कर आपको सम्मान देगी। रही बात परिवार में ऊंच नीच होने की, तो हम बड़े हैं निर्मला जी, ये तो हमारा फर्ज है कि अगर घर में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम बात को संभाल लें, उसको इतना बढ़ने ना दे कि बात घर छोड़ने छुड़ाने तक पहुंच जाए। हमें तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि घर की बात घर में ही रहे और खत्म हो। हम समझ रहे हैं आप हमको का समझाना चाह रही, लेकिन समझना तो सबको पड़ेगा ना। बहू के पैर में पड़ी हुई पायल ससुराल में छनकती अच्छी लगती, अगर वो दहलीज पार करके बाहर निकल जाए तो समाज वाले उसको किस नजर से देखते हैं, ये तो आप बहुत ही अच्छा से जानती होंगी। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो घर गृहस्थी संभाले, अब आपके यहाँ थी तो नौकरी करना उसका मजबूरी था, लेकिन हमारे घर में भगवान का दिया सब कुछ है, इसलिए उसका नौकरी करने का कोई जरूरत नहीं। कल विदाई के लिए विशेष आएगा, अब हम चलते। नमस्ते। खुश रहो, आ जाना कल।
और आपके लिए रियली सॉरी डैड, आगे से ऐसी कोई गलती कभी नहीं होगी। माँ वर्मा फोन नहीं उठा रहा, मुझे उससे मिलने जाना होगा। आप टेंशन मत लेना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, लेकिन सावधानी से। ओके मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और आपको पता है मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो काफी बड़ा है और हमें प्रॉफिट भी बड़ा देने वाला है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट करके बड़ा हाथ मारेंगे। देखते हैं कि उनके हाथ कुछ लगेगा भी या हाथ ही झुलाते रह जाएंगे। ललिता मिश्रा जी, विकी, देख तो पोस्टमैन क्या लाया। क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस है साहब। हम लीगल नोटिस लग रहा है। क्या लिखा है इसमें विकी? हम बता दें इसमें क्या लिखा है। आपने लकी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, ये नोटिस उसके खिलाफ है। ताकि आप उसके अकाउंट को खोल सके और उसका हिस्सा उसे वापस दे सके। डैड, ये नोटिस, आपने ये सब कब किया? कल प्रोजेक्ट दिखाने के बाद तुमने हमसे पूछा था कि आगे क्या करना है। तब हमने तुमसे कहा था कि तुम्हें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है। ये पेपर्स भी तुमने तभी साइन किए थे। हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम तुम्हें एक सीख देना चाहते थे। बिना किसी डॉक्यूमेंट को पढ़े उन्हें साइन नहीं करना चाहिए। ये गलती हमसे भी हुई थी और उसका भुगतान हम आज भी कर रहे हैं। हमें सब कुछ गंवाना पड़ा। लकी, अगर तुम हमें पैसे नहीं देते ना तो आज हमारे पास कुछ नहीं होता। ललिता जी, अब आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो आप लकी को उसका हिस्सा और पैसा दे दें ताकि वो इस्तेमाल कर सके, या खुद के पैसे भी भूल जाएंगे। आप कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रॉफिट। अगर लकी का छोटा प्रोजेक्ट रुक गया तो आपका भी बड़ा काम ठप हो जाएगा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।